जय हिंद दोस्तों, प्रयागवोध चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स जो हमें आर्टिकल 15 में मिला है, यानी कुल मिला के हम लोग आर्टिकल 15 को आज हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में आर्टिकल 14 के बारे में बात कर ली है, जो राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत पहला आर्टिकल था। अब यह राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत हम लोग दूसरे आर्टिकल्स को समझने की कोशिश करते हैं, जो आर्टिकल 15 है। अब आर्टिकल 15 कहता क्या है? आर्टिकल 15 जो है तो प्रोहिबिट करता है, रोक लगाता है किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करने पर। और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन के 5 ग्राउंड्स दिए हुए हैं, उन 5 ग्राउंड्स को आप लोगों को याद रखना है। वो कौन कौन से 5 ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता? वो 5 ग्राउंड्स इस आर्टिकल में जो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 15 में, वो रहेंगे रेस, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये 5 ग्राउंड्स ऐसे रहेंगे जिसके आधार पर हम लोग इस आर्टिकल्स को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इन 5 ग्राउंड्स के आधार पर स्टेट कभी भी किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो इसका जो हम देखें प्रोविजंस, फर्स्ट जो हम आर्टिकल 15 का फर्स्ट प्रोविजंस जो क्लाज है वो क्या कह रहा है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ ऑनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ आर एनी ऑफ देम। यानी यहाँ पर स्टेट्स को रोक लगाया गया है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ एनी सिटीजंस लिखा है वर्ड्स, तो जब एनी सिटीजंस कहीं पर वर्ड आए तो वो समझ लीजिए कि ऐसा आर्टिकल्स केवल इंडियन सिटीजंस के लिए दिया गया है। यहाँ पर एनी पर्सन्स वर्ड्स का यूज नहीं किया गया है। जब कभी एनी पर्सन्स वर्ड का यूज किया जाता है तो समझ लेना चाहिए कि ये आर्टिकल्स इंडियन सिटीजंस के साथ साथ फॉरेन जो हमारे नागरिक हैं, फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं, उनके लिए भी वो जो है तो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल रहता है। लेकिन आर्टिकल 15 जो है ये केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए है। और 5 ग्राउंड्स बताया गया है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन आधार पे स्टेट कभी भी किसी के साथ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ये आर्टिकल 15 का प्रोविजन फर्स्ट जो क्लाज एक है वो कहता है। अब इसी क्लाज को आगे पढ़ते हैं, इसी क्लाज का जो सेकंड क्लाज है वो भी कहता है, वो यह कहता है कि नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ आर एनी सब्जेक्टेड टू, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टेड टू डिसेबिलिटी। कोई भी पर्सन डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इन 5 ग्राउंड्स के आधार पे। लेकिन यदि वह डिसेबिलिटी है, लाइबिलिटी है, रिस्ट्रिक्शन है या कोई और कंडीशन है तो वो क्या एक्सेस कर सकता है? वो एक्सेस कर सकता है कोई भी शॉप्स है, पब्लिक रेस्टोरेंट है, होटल है, प्लेस ऑफ बर्थ है और पब्लिक इंटरटेनमेंट है। यानी इन जगहों पर किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि वो इस रिलीजन का है, कि रेस का है, किस रेस का, कास्ट का, किस सेक्स का है या किस प्लेस ऑफ बर्थ का है। वो कभी भी एक्सेस कर सकता है, कोई शॉप में जा सकता है, पब्लिक रेस्टोरेंट में जा सकता है, होटल में रह सकता है, जा सकता है या प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। वो मतलब सभी के लिए है, किसी एक के लिए ऐसा पर्टिकुलर नहीं रहेगा कि ये व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता, ये यहाँ अलाउड नहीं है, ये ऐसा व्यक्ति या स्त्री है, महिला है तो नहीं अलाउड है, इस प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। दूसरा बात कह रहा है कि यूज ऑफ वेल्स, टैंक, बाथिंग घाट्स, रोड, प्लेस ऑफ पब्लिक रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट मेंटेन होली आर पार्सली आउट ऑफ स्टेट फंड्स आर डेडिकेटेड टू यूज ऑफ जनरल पब्लिक। अब यहाँ पर यह समझने वाली बात है, यदि कोई भी, चाहे वो कुआं हो, वेल्स की बात कर रहे हैं, टैंक की बात कर रहे हैं, बाथिंग घाट की बात कर रहे हैं, रोड्स है ना, प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, अगर ये सब जो हैं, ये जो जितने भी आइटम्स यहाँ गिनाए जा रहे हैं या कोई और भी चीज़ हो जो स्टेट फंड के द्वारा, स्टेट्स फंड जो रन होती हो किसके द्वारा, पूर्ण रूप से मेंटेन या रन की जा रही हो स्टेट फंड से, या कुछ उसका स्टेट का कुछ परसेंटेज या पार्सली जो है तो स्टेट फंड से जो है तो है, या वो ऐसी चीज जो डेडिकेट की गई है पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए, ऐसी जगहों पर भी कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकेगा जो 5 ग्राउंड्स आर्टिकल 15 में दिए गए हैं। वो 5 ग्राउंड्स हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो याद रखिएगा। अब आर्टिकल 15 का क्लास 3 क्या कहता है उसको समझने की जरूरत है। आर्टिकल 3 जो क्लास कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, यानी इस आर्टिकल्स में जो ये कहा गया है कि कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता ये 5 ग्राउंड्स के आधार पर, लेकिन ये रोक नहीं सकते किससे, स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजंस ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रेन। यानी स्टेट को ये प्रोविजंस, ये जो यहाँ पर ग्राउंड्स दिए गए हैं 5 ग्राउंड्स, इन आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि कोई स्पेशल प्रोविजन
स्टेट नहीं बना सकता, बल्कि स्टेट को नहीं रोका जा सकता यदि स्टेट कोई भी वुमेंस के लिए या चिल्ड्रंस के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाता है तो स्टेट बना सकता है, इस पर कोई रोक नहीं रहेगी। इन ग्राउंड्स के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि स्टेट्स जो है तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजन ना बनाए। ठीक, तो स्टेट्स को कहीं रोका नहीं गया है, स्टेट बना सकता है स्पेशल प्रोविजन वुमेंस और चिल्ड्रन के लिए। यही आर्टिकल 15 का यदि क्लास टू देख क्लास फोर देखने की कोशिश करें वो क्या कहता है। नथिंग इन दिस आर्टिकल क्लास टू जो क्लास टू ऑफ आर्टिकल 29 है जो माइनॉरिटीज के लिंग्विस्टिक आधार पर जो है तो स्पेशल प्रोविजन की बात करता है, शैल प्रिवेंट द स्टेट मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकग्राउंड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी कभी भी यदि स्टेट चाहता है कि वो सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं जिनको हम OBC कहते हैं, ठीक, उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, साथ ही साथ चाहे वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के हैं तो उनके लिए भी स्टेट चाहे तो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, इस पर कोई भी रोक नहीं लगेगा। ना हुई वो आर्टिकल ना इस आर्टिकल्स के तहत ना ही आर्टिकल 29(2) में जो प्रोविजंस दिए गए हैं माइनॉरिटीज के लिए उसके आधार पे। ठीक, आर्टिकल यही देखें यदि क्लास 15 का क्लास 5 क्या कहता है। क्लास 5 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल सब क्लास जी ऑफ क्लास 1 ऑफ आर्टिकल 19। आर्टिकल 9 का क्लास 1 में जो सब क्लास जी दिया गया है वो भी जो है तो प्रिवेंट नहीं करेगा स्टेट को कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए, हो चाहे वो सोशली एजुकेशनली बैकग्राउंड बैकवर्ड्स हों, शेड्यूल कास्ट के हों, शेड्यूल ट्राइब्स के हों, किसी भी तरह का किस चीज लिए स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशंस ऑफ इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। यानी कि अगर एडमिशन जो एजुकेशनली एजुकेशंस के लिए एडमिशंस लिए जाते हैं वो एडमिशंस के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन बनाता है OBC के लिए या SC ST के लिए तो ये ऐसा स्टेट कर सकता है, ये नहीं रोका जा सकता। हाँ, वहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूट जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस हैं एडेड या अनएडेड उनके अलावा उसके अलावा जो भी स्टेट्स के द्वारा फंड या स्टेट फंड्स के द्वारा जो चल रहे हैं स्कूल्स कॉलेज वहाँ पर उनके लिए SC ST या OBC के लिए स्पेशल प्रोविजन आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक, एडमिशंस के लिए स्पेशल प्रोविजन्स बनाए जा सकते हैं। फिर आर्टिकल 15 का जो क्लास 6 है वो भी यही बात कहता है कि जो आर्टिकल 19G है या 13(1) है वो ये क्लास भी यदि किसी चीज के लिए किसी के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाते हैं तो बना सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। साथ ही साथ एडिशन किया गया है जो 2019 में 10% आरक्षण के लिए 10%, तो वो कहा गया है एडिशन एग्जिस्टिंग द रिजर्वेशन ऑफ टू मेंटेन मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ टोटल सीट इन ईच कैटेगरी। यानी जो जनरल कैटेगरी के लिए UR कैटेगरी के लिए सोशली और एजुकेशनली इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड हैं तो उनके लिए भी जो है तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस 10% की सीट्स जो रखी गई है वो स्टेट बना सकता है, ये भी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन नहीं है, राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 15 में दी गई है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जैसे जनरल्स के लिए जो अभी प्रोविजंस किए गए हैं तो उसमें कौन कौन से जो EWS के लिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं, क्रिमिनलियर्स के लिए अब क्या प्रोविजन किए गए हैं, वो सभी आप जो आर्टिकल्स देखिए उनको समझने के, तो आप लोग जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में करके कि क्रिमिनलियर क्या होता है। ठीक, क्रिमिनलियर्स के जो क्या कैटेगरी रखी गई हैं किसके किसके कौन कौन गिना जाएगा, उसके लिए इनकम की क्या क्वालिटी होगी, कितना मतलब इनकम होना चाहिए, ये जो प्रोविजन्स हैं उनको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें। और साथ ही साथ EWS के लिए जो एजुकेशनली बैकवर्ड जनरल कैटेगरी के लिए मतलब EWS के लिए जो इनकम रखा गया है कितना मैक्सिमम रखा गया है वो भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो धन्यवाद, ये आर्टिकल 15 का था जिसमें हमने देखा कि 5 ग्राउंड्स के आधार पर स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ स्पेशल हैं केसेस हैं जिसमें स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है स्टेट। थैंक यू।